और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले इस मुलाकात के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। हालांकि नरेश अग्रवाल का कहना है कि वो निजी काम को लेकर राजनाथ सिंह से मिलने के लिए गए थे। आपको बता दें कि नरेश अग्रवाल अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अगर नरेश अग्रवाल गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हैं तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या मायने? आज सुबह नरेश अग्रवाल की केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है और उनके घर पर नरेश अग्रवाल बाकायदा मिलने गए थे। बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट की मुलाकात थी नरेश अग्रवाल की राजनाथ सिंह के साथ। और यूपी के ऐसे सियासी समीकरण के बीच नरेश अग्रवाल राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन नरेश अग्रवाल से जब जी न्यूज में बातचीत की तो नरेश अग्रवाल का ये कहना है कि ये उनकी एक निजी मुलाकात थी, कुछ उनके निजी काम थे जिसके चलते वो राजनाथ सिंह से मिलने गए थे, इसकी कोई राजनीतिक मायने न निकाले जाए। पर जब चुनाव के नामांकन में महज 4 दिन का वक्त था और ऐसे सिचुएशन में नरेश अग्रवाल राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं तो उसके सियासी मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। विद्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो आखिर किस वजह से मुलाकात हुई? हालांकि नरेश अग्रवाल कह रहे हैं कि पर्सनल मीटिंग थी, लेकिन इसके मायने जरूर निकाले जा रहे हैं ऐसे वक्त में जब चुनाव चिन्ह को लेकर भी आज चुनाव आयोग में 12 बजे से एक मीटिंग होनी है, एक बातचीत शुरू होगी कि आखिर चुनाव चिन्ह किसको दिया जाए।